आगे है 2.1, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वन पालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग अलग थे। मतलब जंगल कैसा हो, तो जो वन पालक यानी जो ऑफिसर्स वगैरह थे उनके और जो ग्रामीण लोग थे उनके विचार बिल्कुल अलग थे। जहाँ तक एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जैसे उनको ईंधन की ज़रूरत होती थी, चारे की ज़रूरत होती थी, पत्तों की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनमें क्या होना चाहिए, सभी प्रजातियों में एक मेल होना चाहिए। वहीं वन विभागों का ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई, जितनी भी पुरानी किस्में थी उनको काट दिया गया और वहाँ पर किसके सागौन की लकड़ियाँ जो है लगा दी गई। इन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है, बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकती है और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हरे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है, पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं में रस्सी बनाई जा सकती है, सैमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है, महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है ये जो वन है, वन में से कितनी चीज़ें जो है लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ मिल जाता था, वो कंदमूल मिल जाता था उनको, ठीक है ना। फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें जो है वहाँ के प्रोडक्ट से वो बनाते थे। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। वन अधिनियम की वजह से क्या हुआ कि जो गाँव वाले थे उनके सामने बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, ना तो वो लकड़ी काट सकते थे, ना वो अपने पशुओं को चरा सकते थे। कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियाँ गैर कानूनी बन गई, यानी जो रोज़मर्रा के जो काम करते थे वो सब क्या हो गए, गैर कानूनी हो गए। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, अब सिर्फ वो लकड़ी चुरा सकते थे जंगलों से, और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते थे। जो मतलब पकड़े जाते तो या तो सज़ा मिलेगी या फिर वन रक्षक अगर दया कर देगा तो ठीक है, जो उनसे घूस ऐंठते थे, फिर वो अगर घूस देकर छूट जाते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। जो औरतें थी वो क्या करती थी, जलाने की जो लकड़ियां हैं वो एकत्रित करती थी, अब वो परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात हो गई। अब जंगल के जो लोग थे वो क्या करते थे, या चौकीदार जंगल के वो क्या करते थे, सामान्य लोगों को परेशान करते थे, उनसे घूस ऐंठते थे, और इस तरीके से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं।